हेलो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान के मकराना में स्थित मार्बल की माइंस, जहाँ से मार्बल निकाला जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। ये वो माइंस है जहाँ से मार्बल निकाला जाता है, और ये आप देख रहे हैं माइंस ज़मीन से तकरीबन 250 से अराउंड 400 फिट गहराई में ये ज़मीन में नीचे स्थित, मतलब यहाँ पे पत्थर निकाला जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से इतनी गहराई में ये पत्थर यहाँ मौजूद है, फिर इसे बाहर निकाला जाता है और वो पूरी प्रोसेसिंग होती है उसकी अलग, उसके बाद में कटिंग, और फिर जब वो हमारे घरों की शान बनता है तो वो पत्थर एक अलग ही रूप में नज़र आता है। और ये जो आपको टंकी नज़र आ रही है, ये एक लोहे की टंकी है जिसकी सहायता से जो यहाँ स्क्रैप होता है पत्थर के अलावा, जो कुछ यहाँ पे नीचे छोटे छोटे बजरी पत्थर का जो मलबा होता है, स्क्रैप वगैरह, वो इस टंकी की सहायता से और क्रेन की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। और जो आप ये देख रहे हैं अदर जो ये पत्थर हैं वो मार्बल के अलावा पत्थर हैं, और ये देखिए वीडियो में नज़र आ रहा है साफ LNT नीचे जो मशीन रखी हुई है, ये इस मशीन को भी क्रेन की सहायता से ही नीचे उतारा जाता है। और ये वो ब्लॉक्स हैं जो इस माइंस के अंदर से बाहर ये निकाले गए हैं बाद में। ये इसकी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग वगैरह इनकी होती है, बट जब ये निकलते हैं तो इस तरह से ये ब्लॉक होते हैं पूरे, देखिए। और ये देखिए ये अंदर मशीन वर्क भी किया जा रहा है। और जो हम देख रहे हैं कॉर्नर्स में पत्थर है, ये सभी एक पूरा पूरा चट्टाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो मार्बल की चट्टाने हैं, इनकी अंदर कटिंग की जाती है और फिर इन्हें बाहर निकाला जाता है। और ये वो मशीनें हैं, ये वो क्रेन हैं जो ये काम करती हैं। ये काम आज सालों सदियों से चलता आ रहा है, पर आज के आधुनिक युग में ये सब कुछ इन मशीनों के द्वारा हो रहा है। पहले भी पत्थर निकाले जाते थे, पर वो ज़माना भी कुछ और था और वो साधन भी कुछ और थे, तब इतनी खपत नहीं रहती थी, इतना यूज़ नहीं था, तो इतनी माइंस भी गहरी नहीं थी जितनी आज इनकी गहराई होती जा रही है। ये ज़मीन से 400-500 फीट तक नीचे हैं, और ये देखिए किस तरह से क्रेन की सहायता से इस लोहे की टंकी को नीचे भेज रहे हैं, और फिर ये वापस इसी की मदद से इसको बाहर निकाला जाता है। और ये देखिए कितनी लंबी ये माइंस फैली हुई है, और इसमें अथाह भंडार है सफ़ेद मार्बल का। और ये देखिए बाहर क्रेन के पास में भी ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये लोहे की बड़ी बड़ी मजबूत टंकियां होती हैं, और ये बरसात का पानी भी इसके अंदर है, जो कि वो भी पाइपों के सारे मशीनों के सारे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब तक इसमें पानी रहता है तब तक इसकी कोई भी खदान का कार्य होता है जो माइंस, वो बंद रहती है। और जो आप ये देख रहे हो ये नीचे ये खाना पहुंचाया जा रहा है, जो वर्कर नीचे काम कर रहे हैं, देखिए जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए खाना भी इन वायर की सहायता के से मतलब नीचे आगे पहुँचाया जा रहा है, पर रहने वाले एक कर्मचारी से जो यहाँ मौजूद रहते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? सरवण राम। ये सरवण राम जी है जो यहाँ पे काम करते हैं, इन्हीं की देखरेख में यहाँ पे काम किया जाता है। तो हम जानेंगे किस तरह से यहाँ पत्थर निकाला जाता है, आप हमें बताएंगे कि पत्थर किस तरह से निकालते हैं? पत्थर होल मिला के और सड़ लगाते हैं इसी। इनका कहना है कि होल मिलाए जाते हैं, जो प्रॉपर होल किए जाते हैं एक स्लैब को बाहर निकालने के लिए, उसके बाद में यहाँ पे कट लगाए जाते हैं पत्थर के अंदर, छोटा छोटा करके करेना से बांध के बाहर निकालते हैं। और उसके बाद में जब पत्थर को छोटा कर लिया जाता है, साइज जो बनाया जाता है, उसके बाद में उसको कट लगाने के बाद में क्रेन की सहायता से मजबूत करके उसे, और क्रेन के सहारे उन पत्थरों को मतलब बाहर निकाला जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे बिल्कुल इस गहराई में, जो कि ये गहराई कितनी होगी अभी? गहराई है। शरवण जी हमें बता रहे हैं कि जो ये खान माइंस है मार्बल की, इसकी गहराई तकरीबन 250 फीट है, 250 फीट, और उसके नीचे इतने नीचे हैं मतलब जो आदमी हैं वो काम कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमें मतलब हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो साइज़ जो आदमी हमें दिख रहे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। मशीन है छोटे काटने वाले भाई,
क्या बोलते हैं मशीन को? वाई शॉप। एक वाई शॉप नाम से कोई मशीन आती है जो अंदर नीचे छोटी कटिंग करने में मदद करती है, और उसी की सहायता से मतलब पत्थर को नीचे कटिंग किया जाता है। हाँ।